हेलो एवरीवन, दिस इज़ अविनाश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग माय गार्डनिंग यूट्यूब चैनल वाओ गार्डनिंग। तो जैसे कि आप सबको मालूम है कि जो टाइम है दोस्तों, चल रहा है दिवाली का ही, दिवाली आने ही वाली है। आपके घर पे भी काफ़ी साफ़ सफाइयाँ वगैरह तो चल ही रही होंगी, पर जो गार्डनर्स रहते हैं उनके लिए जो प्लांट्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उनका एक लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। तो जब हम अपने घर की इतने अच्छे से साफ़ सफाई करते हैं तो हम प्लांट को कैसे भूल सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो आपके घर पे प्लांट्स होते हैं, आप उनको कैसे साफ़ कर सकते हैं, क्लीन कैसे कर सकते हैं, जो उसमें डस्टिंग हो जाती है अगर आप आउटसाइड एरिया पे लगाते हैं, अगर आपके एरिया में कुछ ज़्यादा ही डस्ट आती है तो आप उसको कैसे क्लीन कर सकते हैं, फिर से कैसे ब्यूटीफुल बना सकते हैं। आज मैं आपको दो मेथड बताऊँगा, दो तरीके से। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास कुछ बड़े पत्तों वाले प्लांट हैं, कुछ छोटे पत्तों वाले प्लांट हैं, तो दोनों को थोड़ा साफ़ करने का अलग हो जाता है, इसलिए क्योंकि जो छोटे वाले पत्ते होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं सिंगोनियम बताऊं आपको, मनी प्लांट बताऊं, तो इनको एक एक करके साफ़ करना तो थोड़ा मुश्किल काम ही हो जाता है। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। दूसरी बात, जो बड़े पत्ते की बात करें, जैसे आप डेफिनबेकिया देख रहे हैं, यहाँ पर मॉन्स्टेरा देख रहे हैं, तो इनको कैसे साफ़ किया जाता है, तो आज की इस वीडियो पर आप पूरा कम्प्लीट देखेंगे कि अगर आप भी ऐसे अपने घर पे आपके प्लांट हैं तो उसको कैसे आप साफ़ कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। बहुत ही इजी एंड सिंपल वे में आपको समझाऊंगा, और आपको समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। लास्ट वीडियो में आपने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है, तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहिएगा। तो ये देखिए आपके सामने जो है, तो ये तो मैंने आपको पहले ही दिखाया हुआ है, जो मेरा 8 लीटर का ये गार्डन स्प्रेयर बॉटल है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अगर आपको ये परचेज़ करना हो तो आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। दूसरा जो मैं बता रहा था वो कॉन्सेप्ट ये होता है दोस्तों, कि आपको नॉर्मल जो आपका मग रहता है या फिर किसी भी चीज़ को आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको लेना दोस्तों एक कॉटन का कपड़ा, तो जो ये कॉटन का कपड़ा रहता है ना, काफ़ी अच्छे तरीके से डस्ट को बाहर करता है। अगर आप ये यूज़ नहीं करते हैं तो इसकी जगह पे आप जो है स्पॉन्ज का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी फोम क्रिएट करता है, तो प्लांट काफ़ी अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है। इसके लिए आप जो है कोई भी सोपी लिक्विड यूज़ कर सकते हैं, जैसे हैंड वॉश यूज़ कर सकते हैं, या तो आप जैसे कि ये डिशवाशर आता है उसका यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास जो दूसरे ऑप्शन हो आप वो भी ले सकते हैं। आपको बेसिकली क्या होता है कि प्लांट में डस्ट निकालने के लिए इसका यूज़ करना ही होता है, जो थोड़ा सा सोपी लिक्विड है उससे बहुत ही ईजिली निकल जाता है, आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता। दूसरी बात यह है कि अगर आप नॉर्मल पानी से उसको वॉश करेंगे प्लांट को, साफ़ हो जाएंगे, पर जो है दाग रह जाते हैं, कई बार वो प्रॉपर साफ़ नहीं हो पाता, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। बाकी जो और मेथड बताते हैं उसको मैं ना यूज़ करके नॉर्मल आपको बता रहा हूँ, ताकि आप घर पे भी इजीली जो गार्डनिंग करते हैं, इसलिए मेरे आप चैनल पे आते हैं कि अब मैं इजीली आपको चीज़ें बताता हूँ, इजी वे में आप उसको अपने घर पे कर भी सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं जिससे आपका प्लांट इजीली जो है साफ़ हो जाएगा। और अगर आपके पास इतना बड़ा वाला जो है गार्डन स्प्रेयर नहीं है तो आप छोटा भी यूज़ कर सकते हैं आपको, पर यह है कि बार बार उसमें बनाना पड़ेगा, बार बार फिल करना पड़ेगा, तो वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है समटाइम्स। पर अगर आपके पास छोटे से और कम प्लांट्स हैं तो आपके लिए जो है 1 लीटर या 2 लीटर वाले भी सफिशियंट रहेंगे। तो चलिए अब मैं आपको आगे दिखा देता हूँ कि प्लांट में इसको कैसे यूज़ करना है और कैसे प्लांट साफ़ होते हैं। देखिए मैं यहाँ पर जो है डिशवाशर यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर आप सोचेंगे कि यार ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके प्लांट में, कुछ हार्स करेगा, तो आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि आप एक ही बार यूज़ कर रहे हैं इसको, बार बार तो आपको डालना नहीं होता है अपने प्लांट पे। तो फर्स्ट टाइम के लिए ठीक है, सिंगल यूज़ के लिए आप कर सकते हैं, और इसके बाद अगर आप चाहो तो ऐसा हैंड वॉश इसमें ऐड कर सकते हो। आपको मेन क्या होता है, थोड़ा सा इसमें फोम क्रिएट करना पड़ता है, ताकि जो प्लांट आपका अच्छी तरीके से उसके डस्ट सारी निकल जाए। सेम जैसे मैंने इसमें किया है, वाटर ऐड करूँगा तो ऑटोमेटिक ही अच्छी तरीके से रेडी हो जाएगा। सेम मैं अपने जो है इसमें मग में जो करूँगा बड़े पत्तों को साफ, उसमें भी सेम ऐसे ही क्रिएट कर लूँगा जैसे आप झाग बनाते हो नॉर्मल। तो अब इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट प्लांट्स पे इसको यूज़ कैसे करना है वो दिखाता हूँ। चलिए तो देखिए बिल्कुल हम वॉश करने के लिए रेडी हैं। थोड़ा सा कंजेस्टेड है इस एरिया में, इसलिए मैं आपको ज़्यादा उतने अच्छे तरीके से दिखा नहीं पाऊंगा, पर जितना कोशिश होगी मैं बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर करूंगा। देखिए तो एक एक अपन लोग लीफ को जो है इसके थ्रू काफ़ी अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप हैंडल से साफ़ करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, पर अगर आप मैनुअली साफ़ करना चाहेंगे एक एक करके कपड़े से, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होने वाली है या टाइम भी लग सकता है। तो आप जो है ऐसी मशीन के थ्रू ही आप सारी छोटी छोटी लीव्स को कवर कर लें, इससे जल्दी आपका काम भी हो जाएगा और आपके प्लांट्स भी साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि तो प्लांट्स की भी जो है सफाई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जितने प्लांट्स आपके साफ़ रहेंगे उतना ज़्यादा ब्यूटीफुल आपका गार्डन दिखेगा, प्लस प्लांट्स में ऑक्सीजन लेवल काफ़ी अच्छे तरीके से बन पाएगा, तो प्लांट्स खूबसूरती के साथ साथ ग्रो भी काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। तो इसके जो है काफ़ी सारे बेनिफिट हैं, इसलिए आप अपने प्लांट्स को रेगुलर बेसिस पे नहीं तो आप हफ्ते में अगर एक दिन या 15 दिन में एक दिन जब आपको टाइम मिला, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हैं, संडे में भी एक दिन अगर आप करेंगे तो आपके प्लांट काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करते रहेंगे और हेल्दी भी रहेंगे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि बड़े पत्ते को कैसे वॉश करते हैं।
देखिए, मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बहुत ही अच्छे एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा स्पेस की कमी होने के कारण हो सकता है कि उतना अच्छा आपको व्यू ना दिख रहा हो, पर प्लीज़ मैनेज करिएगा। आपको कंटेंट से मतलब है कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, जैसे हमने सोफी लिक्विड रेडी किया है, जैसे मैंने आपको बताया था, बिल्कुल ऐसे ही कॉटन कपड़े से थोड़ा सा इसको ऐसे स्क्वीज़ करेंगे और नॉर्मली ऐसे ही अपन हल्के हाथों से इसको ऐसे वॉश करते चलेंगे। तो ये देखिए, ये काफ़ी अच्छे तरीके से निकल भी आता है। और आप चाहो तो एक बार फिर से नॉर्मल पानी से इसको एक बार स्प्रे कर दो ऊपर से, तो क्या दोनों हो जाएगा, आपका यहाँ से तो डस्ट निकल ही जाएगी और थोड़ा सा और क्लीन भी हो जाएगा। या तो नहीं करना चाहते हो आप स्प्रे बॉटल से, तो नॉर्मली जैसे आपने अभी कपड़े से इसमें सोपी लिक्विड से इसको ऐसे वॉश किया है, इसी तरह आप नॉर्मल कपड़ों से इसे वॉश कर दो, तो आपका जो प्लांट है काफ़ी ब्यूटीफुल दिखने लगेगा। इसके बाद मैं आपको आफ्टर रिजल्ट भी दिखाऊंगा कि प्लांट जो है साफ़ होने के बाद कैसे दिखते हैं और पहले ये कैसे दिख रहे थे। तो ये देखिए दोस्तों, ये कुछ रिज़ल्ट निकल के आया है, आप कह सकते हैं आफ्टर रिज़ल्ट। कितने ब्यूटीफुल लगने लगे हैं, शायद जो इनका अट्रैक्शन बंद हो गया था लोगों का। अब वॉश करने के बाद मैं आपको रिएक्शन तो नहीं दिखा सकता, पर फिर से वैसे ही लोग देखने स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि क्लीन होने के बाद ना उनका नेचुरल कलर आ जाता है और वो ग्रो भी काफ़ी अच्छे तरीके से करते हैं, ब्यूटीफुल भी लगता है आपका गार्डन। तो अगर आपने क्लीन नहीं किया है, दिवाली के टाइम चल रहा है, अपनी सफाई के साथ साथ अपने प्लांट्स को भी आप क्लीन ज़रूर कीजिए, जैसे मैंने आपको ईजी मैथड बताया है उसके थ्रू। ये देखिए, मेरे फाइकस माइक्रोकार्पा का प्लांट है जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है वॉश करने के लिए, पर देखिए सारी पत्तियाँ इसके अच्छी तरीके से धुल गई हैं और ये कितना ब्यूटीफुल लगने लगा है। सेम ईयर में अगर यहाँ का भी आपको लुक दिखाऊं, तो देखिए एक एक जो लीव है वो काफ़ी ज़्यादा साफ़ निकल के आई हैं और विजिबल रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है। देखिए कितने अच्छे तरीके से सारे प्लांट्स, मैंने ऊपर हैंगिंग बास्केट के भी सारे प्लांट जो ऑलमोस्ट कवर किए हैं इसमें, कि वॉश होके जो है ब्यूटीफुल तरीके से निकल के आएँ। ये देखिए सारे ही काफ़ी अच्छे तरीके से धुल गए हैं। तो बस आपको जैसे मैंने बताया है, सिंपल सी मेथड है, कुछ करना नहीं है। वैसे आप अगर करेंगे तो आपको अच्छा रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर आपने मेरा जो स्टेप बताया है फॉलो करके आपको प्लांट में रिज़ल्ट देखने के लिए मिलता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पहली बार विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पर किसी एक नए टॉपिक के साथ, नए प्लांट केयर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हैप्पी गार्डनिंग।